हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवे देतीवन। स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट, तीन बड़े स्कूलों से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है और ये तीनों ही स्कूल अलग अलग जगह से हैं। सेंट मार्ग क्रिश्चियन स्कूल है, धनवाद पब्लिक स्कूल है और श्री वल्लभ आश्रम एजुकेटर सेंटर है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, नॉन टीचिंग स्टाफ सभी की यहाँ पर वैकेंसी है। कोई एग्जाम नहीं होगा यहाँ पर। एप्लीकेशन फीस जो है वो निल है, जीरो है, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर एप्लीकेशन करें। ऑल स्टेट अलाउड हैं, यहाँ पर किसी के लिए भी फाउंडेशन नहीं है। भारत के किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो मेरे द्वारा आप लोगों को बिल्कुल सही जानकारी दी जाती है और बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इससे पहले भी कई वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए जो है वो बनाए हैं, जहाँ पर बहुत सारी जॉब मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। यदि आप वहाँ पर एलिजिबल हैं तो जरूर वहाँ पर जो है वो आप जाएं और जॉब जो है वो लें। तो सबसे पहली जो वैकेंसी है वो धनबाद पब्लिक स्कूल की है। यहाँ पर टीजीटी, पीआरटी, प्री प्राइमरी, होस्टल वार्डन, अकाउंटेंट की वैकेंसी है। पीआरटी में केवल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं और होस्टल वार्डन में भी। बाकी टीजीटी में मेल फीमेल दोनों। इंग्लिश, हिंदी, साइंस, संस्कृत, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस। पीआरटी में इंग्लिश, मैथ, हिंदी, साइंस, एसएस और संस्कृत है। और प्री प्राइमरी में एनटीटी या ईसीसीई डिप्लोमा अगर आपने किया है तो यहाँ केवल फीमेल ग्रेजुएट अप्लाई कर पाएंगी। होस्टल वार्डन में यहाँ पर मैक्सिमम एज 40 ईयर है और ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस से किया है, आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। अकाउंटेंट यहाँ पर मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। आपको कंप्यूटर नॉलेज यहाँ मांगी गई है, फ्लुएंट टैली, टैली जो है वो आपको आनी चाहिए, लेबर लॉज और इंग्लिश। एप्लीकेशन करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, या तो आप लोग जो है वो यहाँ पर बाय पोस्ट कर सकते हैं, धनबाद पब्लिक स्कूल, पीओ केजी आश्रम, गोविंदपुर रोड, धनबाद, ये पिन कोड नंबर है, ठीक है। और नहीं तो अब आप लोग एप्लीकेशन अलोंग विद द फोटोग्राफ एंड जीरोक्स कॉपी, एप्लीकेशन के साथ में फोटोग्राफ और अपनी जितनी भी ऑल टेस्टिमोनियल्स यानी 10th के बाद की अब तक की जो भी मार्कशीट हैं, डॉक्यूमेंट हैं, उनकी जो है वो फोटो कॉपी साथ में सबमिट करानी है अगर आपको पर्सनली, ठीक है। इस यहाँ पर जो है वो आप पर्सनली भी जा सकते हैं अगर आप नज़दीक रहते हैं। अगर आप दूर रहते हैं तो आप बाय पोस्ट कर सकते हैं। समय यहाँ पर इन्होंने बताया है, डेट बताई है 14/8/2023, 14 अगस्त से पहले आप लोगों को एप्लीकेशन यहाँ पर डाल देनी है। सैलरी आपको एज पर सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलेगी। सेकंड वैकेंसी श्री वल्लभ आश्रम एजुकेटर सेंटर की है। यहाँ पर पीजीटी, इंग्लिश, मैथ, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, आईपी और कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। एकेडमिक हेड में प्राइमरी मिडिल सेक्शन में केवल फीमेल प्रेफर्ड दी जाएगी इनको। पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर की एक स्टूडेंट ने पूछा था कि अगर फिजिकल एजुकेशन टीचर की कहीं की भी वैकेंसी आती है तो बताइएगा गुड सैलरी के साथ। तो यहाँ पर बास्केटबॉल और स्विमिंग पूल इसकी जो है वैकेंसी है। काउंसलर और स्पेशल एजुकेटर की है, लाइब्रेरियन की है, लेडी पीटीआई की है, यहाँ लैब असिस्टेंट की है। एलिजिबिलिटी यहाँ कहा है गुड कमांड ओवर रिंगलिस लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज विद एटलीस्ट 5 ईयर ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस। यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस जो है वो चाहिए। अट्रैक्टिव सैलरी, सैलरी काफ़ी अच्छी मिलेगी डिजर्विंग कैंडिडेट को। एंड सेमी फर्निश्ड अकोमोडेशन यानी यहाँ पर जो है वो आप लोगों को फर्नीचर वगैरह जो है इसकी सुविधा भी आपको दी जाएगी 2 PGT कैंडिडेट के लिए। अप्लाई विद इन 7 डे विद रिसेंट फोटोग्राफ। तो 2 अगस्त की एडवर्टीजमेंट है और 7 दिन के अंदर जो है वो आप लोग अपनी रिसेंट फोटोग्राफ के साथ एप्लीकेशन कर दें, ठीक है। तरीका जो है वो मैंने आपको बता दिया है। एप्लीकेशन करने के लिए ये ईमेल आईडी इन्होंने नीचे दिया है hr@vallabhashram.in, इस पर आप कर दें, ठीक है। 7 दिन के अंदर भेज देनी है। अगर बाय पोस्ट करेंगे तो यहाँ पर एड्रेस ऊपर दिया है श्री वल्लभ आश्रम एजुकेटर सेंटर, NS नंबर 48, किला पारडी, डिस्ट्रिक्ट वलसाड, गुजरात, ठीक है। वैकेंसी गुजरात की है। थर्ड जो वैकेंसी है वो सेंट मार्ग क्रिश्चियन स्कूल और ये जो है वो है शाहेबाबाद, गाजियाबाद, यूपी से, ठीक है। तो ये यूपी की वैकेंसी है। यहाँ पर रिक्वायर्ड की गई है पीजीटी टीचर की इंग्लिश, केमिस्ट्री। अब देखिए केमिस्ट्री के लिए एक स्टूडेंट ने पूछा था कि पीजीटी केमिस्ट्री से जो है वो वैकेंसी आए तो बताइएगा। तो प्लीज यहाँ पर जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें, एड्रेस वगैरह, ईमेल वगैरह सबको जो है यहाँ नोट कर लें और 7 दिन के अंदर जो है वो आप लोग एप्लीकेशन कर दें क्योंकि 2 अगस्त की जो है वो एडवर्टीजमेंट है। यहाँ पर जो है बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, केमिस्ट्री और इंग्लिश की वैकेंसी है पीजीटी के लिए। और टीजीटी में यहाँ पर सोशल साइंस, सोशल साइंस में सभी सब्जेक्ट आ जाएंगे आपके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ आईटी, फ्रेंच टीचर, स्कूल काउंसलर, लाइब्रेरियन, स्कूल बैंड मास्टर, मदर टीचर, प्री प्राइमरी, यहाँ पर जरूरत है। अट्रैक्टिव सैलरी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी क्योंकि क्रिश्चियन स्कूल है और क्रिश्चियन स्कूल की सैलरी जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है। अप्लाई आपको कैसे करना है,
अप्लाई थ्रू जॉब एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल इन स्कूल वेबसाइट। अब इन्होंने जो है आप लोगों को अलग से एप्लीकेशन जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है इन्होंने अपनी जो वेबसाइट है इस स्कूल की www.smcs.co.in इस पर आप इन्होंने दे रखी है, ठीक है। तो आप वहां से डाउनलोड करेंगे और एप्लीकेशन फिल कर लेंगे। ओनली एक्सपीरियंस एंड गुड इन स्पोकन इंग्लिश शुड अप्लाई। ओनली टीचिंग एक्सपीरियंस, यहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो मांगा गया, कंप्यूटर नॉलेज मांगी गई है। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू। तो ये इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, यहाँ कोई एग्जाम तो नहीं होगा, और यहाँ केवल शॉर्टलिस्टेड ये लोग करेंगे कैंडिडेट को, उन्हीं को ये बुलाएंगे। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन राजबाग। नो TA ये जो है आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर, केवल जो है वो सैलरी जो है वो आप लोगों को काफ़ी अच्छी मिलेगी। बाकी और भी जानकारी अगर आप इस स्कूल में जाना चाहते हैं तो यहाँ जॉन विनय शर्मा मैनेजर हैं और ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। आप लोगों को एप्लीकेशन करने के लिए वेबसाइट विजिट करना होगा www.smcs.co.in। तो ये स्कूल है सेंट मार्क क्रिश्चियन स्कूल। यहाँ पर जो है वर्क विद अस, यहाँ पर आप देख सकते हो वैकेंसीज फॉर सेशन 2023-24। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई है कि जैसे TGT सोशल साइंस है, इसके अलावा जो है वो PGT हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, तो इनके लिए सबके लिए जो है वो मास्टर डिग्री BEd के साथ मांगा गया है। PGT इंग्लिश है, ठीक है, तो मास्टर डिग्री, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं PGT में, तो PGT के लिए यहाँ पर मास्टर डिग्री के साथ BEd जो है वो मांगा गया है। यहाँ पर राइट साइड में आप देख सकते हो गेट एसोसिएट विद अस, तो एप्लीकेशन फॉर्म ये आपको मिल जाएगा। जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये मेन वेबसाइट पर जो है वो डालते हैं, तो आपको इसी को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर्म, इसको डाउनलोड करना है, फिल कर लेना है और उसके बाद आपको ईमेल कर देना है। और जहाँ कहीं एडवर्टीजमेंट में एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का जो है नहीं दिया जाता है, तो आप इस तरीके से जो है वो बायोडाटा तैयार कर लेंगे, अपना CV तैयार कर लेंगे, जहाँ नेम, फादर नेम, मोबाइल, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, उसके बाद रिलीजियन, लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज आप जानते हो, एजुकेशन बैकग्राउंड आपका सारा, वर्क एक्सपीरियंस, एड्रेस, डेट और सिग्नेचर, ठीक है, और यहाँ पर अपना फोटोग्राफ। तो इस तरीके से जो है वो बायोडाटा जो है वो तैयार करके, CV तैयार करके, साथ में अपने डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफ को जो है वो साथ में अटैच करके, और फिर जो है वो आप ईमेल करें या आप जो है बाय पोस्ट करें यदि एड्रेस दिया हुआ है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।